की शिकायत था मेरा। तो डाइनिंग हॉल में एक्चुअली एक और चीज था जो मैं आपको दिखाना भूल गई। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं अपने घर का होम टूर कराने जा रही हूँ, अपने नए घर का। पुराने घर का भी जो होम टूर वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पे है, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। एम्प्टी टूर वीडियो भी है इस घर का, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। एंड अभी घर में सामान फर्नीचर वगैरह रखने के बाद घर कैसा लग रहा है वो भी आप चेक कर सकते हो। तो चलिए विदाउट डिले हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा एंट्रेंस डोर और इसको लगा लेते हैं। तो अंदर आते ही सबसे पहले एक छोटा सा यहाँ पे मैंने, ये एक्चुअली शू रैक था मेरा, तो शू रैक को ही मैंने कन्वर्ट करके इसको थोड़ा सा मैंने रिवैम्प किया है। तो इसका जो वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे। और यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ डेकोरेट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक बैम्बू ट्री है, चाइनीज बैम्बू ट्री, थ्री लेयर का है जो कि मैंने यहीं पे रखा है। साथ में यहाँ पे ये दो कैंडल होल्डर रखा है। ये जो है मैं बंजारा मार्केट से लेकर आई थी, उसका भी हॉल वीडियो जो है वो चैनल पे है। तो आपको सबका वीडियो जो है ना वो मिल जाएगा। कुछ ना कुछ जो भी प्रोडक्ट के बारे में आपको पूछना है आप कमेंट में पूछ सकते हो, और नहीं तो अगर आप अगर वीडियो अगर चाहते हो तो वीडियो भी आपको मिल जाएगा चैनल पे। तो यहाँ पे ये जो LED लाइट है इसको आपने देखा होगा बहुत बार, तो उसको ऐसे ही मैं यहाँ पे डाल के रखती हूँ। मेरे को ना थोड़ा स्मेल में इशू होना, मेरे को थोड़ा एलर्जी जो है ना वो होने लगा है, तो उसके वजह से मैं अभी कैंडल जो है वो सब नहीं लगाती हूँ। और एक छोटा सा यहाँ पे मेरा ये की होल्डर है एक्चुअली, और ये जो है दिस इज अ मिरर, ये मैं लेकर आई थी कुर्ग से, वुडन का है और बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, 5 साल पहले मैं लेकर आई थी और अभी भी उसी कंडीशन में है, रोजवुड का है शायद। तो इसको बस सिर्फ कोलिंग मारना होता है एंड ये एकदम चकाचक हो जाता है। तो ये वाला एरिया ऐसा है। इधर आपको दिखाती हूँ, ये एंट्रेंस है, बिल्कुल पास में ही है। और दूसरा चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो डेकोर है आपको बहुत ही मिनिमल मिलेगा घर में, क्योंकि अभी डेकोर जो है वो मैं करना मैंने स्टार्ट किया है अभी थोड़ा थोड़ा करके, बिकॉज एट ए टाइम नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो मैंने सोचा कि जो भी अभी सेटअप हो गया है, मैं सोची थी कि दिवाली में करूंगी, बट दिवाली में टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पे जो है ये सब डेकोरेट करूंगी मैं, बट अभी फिलहाल जैसा भी है। तो यहाँ पे एंटर होते ही यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा विंडो है। ये विंडो जो है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये बिल्डिंग, तो काम चलता रहता है, तो हम लोग ये जो खिड़की है नहीं खोलते। और यहाँ पे ये मेरा फुल लेंथ का जो है यहाँ पे कर्टन है। और इधर आते हैं, इस कर्टन से बिल्कुल यहाँ पे मेरा बहुत ही बड़ा सा मंदिर है, मोर देन थ्री फीट का है एक्चुअली, 3.5 फीट जो चौड़ा है एंड 7 फीट लंबा है ये, तो काफी बड़ा सा मंदिर है मेरा। और मंदिर का जो है वीडियो वो तो आपने देखा ही होगा, मल्टीपल टाइम्स देखा होगा, क्योंकि मैं पूजा का जो ब्लॉग है मेरे ब्लॉग में वो आता ही रहता है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे बिल्कुल पास में ये TV यूनिट है हमारा, तो इसके पीछे जो था ना पिलर था, तो पास में जो भी गैप था ना उस गैप को हमने यहाँ पे इस तरह से भरवाया है पूरा प्लाईवुड डलवा के, एंड उसके बाद इसके ऊपर इस ढंग से इसको किया गया है। इंटीरियर जो है वो हमने कराया है बहुत ही बड़े फर्म से कराया है, बट जो भी है वो वीडियो जो है एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो वो सब पे जो वीडियो है वो आएगा, तो कुछ ऐसा बन के आया है। तो यहाँ पे कॉर्नर में जो है यहाँ पे अभी फिलहाल मैंने एक प्रिंटर रखा है, क्योंकि प्रिंटर जो है ना वो हमने सोचा है कि टुकू के रूम में ट्रांसफर करेंगे, बट एज ऑफ नाउ अभी यहीं पे रखा है क्योंकि टुकू का रूम पूरा एम्प्टी है। और यहाँ पे एक फ्रेम है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे एक सिंपल सा एक मैंने ये ना स्टेशनरी शॉप वगैरह में मिल जाता है, तो ये मैं डीमार्ट से लेकर आई थी, तो यहाँ पे ये रिमोट वगैरह और मेरा जो भी फोन है ना सारा फोन वगैरह यहाँ पे रहता है। यहाँ पे मेरा गेयर फ्रेम है, और ना ये मेरे शादी में आया था तो यहाँ पे मैं रखी हुई हूँ, ये मैं ऐसे रखती हूँ लेकिन क्योंकि इसको हमेशा मिसप्लेस कर देती है तो ऐसे करके मैं रखती हूँ। और ये छोटू सा ये है, ये एक्चुअली सिंदूर का किया है, तो ये मेरे को शादी में किसी से मिला था तो मैंने इसको ऐसे ही यहाँ पे रखा है। और पूरा खाली है ये, तो खोलने में बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी आपको, मैं बस स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ कि कैसा है ये एम्प्टी टूर। अगर आपने एम्प्टी टूर वीडियो देखा होगा तो उसमें तो आपको पता चल गया होगा। और ये ऐसा है कुछ,
नीचे जो है, नीचे आप देख सकते हो, नीचे इस तरह से मैंने रखा है, एक यहाँ पे एक बॉक्स रखा है, यहाँ पे बॉक्स रखा है, यहाँ पे मेरा राउटर रहता है और वहाँ पे अलेक्सा रहता है। तो ज़्यादा कुछ मैंने नहीं रखा है, पूरा क्लीन रहता है ये सारा एरिया। और इधर आते हैं, यहाँ पे अगेन एक फ्रेम है। तो यहाँ पे मतलब डोर जो है ना वो 2x2 जो है, वो 2 डोर का दोनों तरफ पे है और बीच में एक ड्रॉर है और एक ओपन बॉक्स है राउटर वगैरह रखने का, या फिर अगर सेटअप बॉक्स अगर आपको रखना है। और यहाँ पे एक मेरा प्योरीफायर है, एयर प्योरीफायर टेसोरा का, इसका मैंने वीडियो बना के रखा है चैनल पे, तो रिव्यू अगर आपको देखना है तो आप जाके चेक कर सकते हो। लाफिंग बुड्ढा इसके ऊपर रख दिया और यहीं पे बिल्कुल सटा हुआ, यहाँ पे एक पार्टीशन डलवाया है मैंने, तो पार्टीशन जो है इसको कुछ ऐसे डेकोरेट किया है मैंने, ऊपर देख सकते हो दो जो है वो दिया है और यहाँ पे एक ये जो है वास है और वहाँ पे एक मैसेज बोर्ड है। तो इस तरह से मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही जो मेरे पास अवेलेबल थी वही सारी चीज़ें जो है उससे मैंने यहाँ पे डेकोरेट किया इसको। मैंने ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि रवि को पढ़ना अच्छा लगता है, तो यहाँ पे ये जो मेरा टीवी यूनिट है ना इसके बिल्कुल यहीं पे एक स्टूल जो है ये मैंने रखा है, तो ये स्टूल पे बैठ के पढ़ते हैं वो कभी कभी, तो यहीं पे यहाँ जो भी बुक्स हैं उनके वो बुक्स यहाँ पे रख दिया है मैंने। अब यहाँ से आते हैं, यहाँ पे तो ये जो शू रैक है, शू रैक के बगल में थोड़ा सा स्पेस था तो यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे स्टूल डाल दिया है और एक कुशन रख दिया है। और ये दीवान आपने देखा होगा, तो अभी फिलहाल जो है 2-seater सोफा जो है हमारे पास है और बाकी जो है ये दीवान ही हम रखते हैं बैठने बैठने के लिए, देखने के लिए टीवी अच्छा रहता है हमारे लिए। तो इस दीवान को भी मैं थोड़ा जो है रिवैम्प करूंगी, कब करूंगी वो नहीं पता है। सो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल पे और अपडेटेड रह सकते हो, बट मेरे चैनल पे इस तरह के कंटेंट ना आपको मिलते रहेंगे तो आप जो है सब्सक्राइब कर लो अभी के भी। तो ये कुछ ऐसा सेटअप है यहाँ पे नॉर्मल सा, ये जो बेडशीट है ये बेडशीट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही न्यूट्रल कलर है और ये डीमार्ट से लिया था मैंने और यहाँ पे कुछ कुशन मैंने डाल के रखा है। अब आते हैं यहाँ पे, ये सोफा है, ये 2-seater सोफा है जो कि लाइक हमने अगेन इसको रिवैम कराया है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस अगर आपने देखा होगा तो उसमें ये वाला जो ऊपर में जो फैब्रिक था वो लेदर का था, तो वो हटवा के इस बार हमने ये जो है फैब्रिक का हमने डलवाया है। और इसके ऊपर अगेन एक कुशन है और कॉर्नर में जो है इस सोफा और दीवान के कॉर्नर में वहाँ पे एक मैंने फेडल का लाइक वहाँ पे प्लांट रखा है। तो यहाँ का जो सेटअप है ये कुछ ऐसा है और ये लिविंग रूम है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे नया चीज़ जो ऐड हुआ है वो है ये स्विंग, ये रिसेंटली ऐड किया है हमने अपने घर के लिए। मुझे हमेशा से चीज़ था, अभी क्या है ना कि अभी लिविंग रूम जो है और डाइनिंग रूम पूरा ही सेपरेट हो गया है, मतलब अगर कोई वहाँ बैठा रहेगा कोई यहाँ बैठा रहेगा तो थोड़ा तो सेपरेशन है, ये सेपरेटर है। मुझे बिल्कुल ब्लॉक नहीं करना था क्योंकि जो है उधर से अच्छी हवा आती है और इधर से भी अच्छी। स्टर्डी है, आप देख सकते हो ऊपर में जो है ना सीलिंग पे हमारा छेद नहीं था, अभी वहाँ पे पूरा वो पुट्टी वगैरह ये सबसे भरना है, अभी नहीं भरा है क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही लगा है। और यहाँ पे एक कुशन मैंने डाला है और ये जो थ्रो है ये थ्रो अगेन बंजारा मार्केट से लिया था मैंने और आपको बैठ के दिखाती हूँ। काफी अच्छा है, काफी स्टर्डी है और मतलब काफी अच्छा है। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे लिविंग रूम में ना मतलब मैं बहुत ज्यादा जो है ना फर्नीचर ऐड नहीं करना चाहती थी, एट द सेम टाइम मैं ऐसा कुछ चाहती थी जो कि थोड़ा फंकी भी लगे और अच्छा भी रहे और टुकू भी इंजॉय करे, साथ में हम लोग भी इंजॉय करेंगे। बालकनी में जो है वहाँ भी स्विंग लगाऊंगी बट वहाँ पे केन का मैं सोच रही हूँ लगाने का, तो बालकनी जो है वो अगेन पूरा खाली है और यहाँ पे जो है ये वाला स्विंग लगाया है मैंने, क्योंकि ये व्हाइट कलर का है तो ये आउटडोर में चलेगा नहीं क्योंकि बहुत गंदा भी होने का रहता है। घर में तो क्या है इसके अंदर तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा, होगा भी तो साफ कर लेंगे। तो ये कुछ ऐसा है और डाइनिंग आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो डाइनिंग जो है वो मेरा पूरा खाली है, आप देख सकते हो पूरा ही खाली है, बहुत बड़ा है एक्चुअली, ये लगभग 21x11 फीट है ये पूरा एरिया, 21x10 ये सिर्फ मेरा डाइनिंग हॉल है। तो
तो यहाँ पे जो है बाकी सारे फर्नीचर्स भी आएंगे, लाइक डाइनिंग टेबल ये सब जो है वो आएगा, पर हम लोग आराम से लेंगे क्योंकि टुकू के लिए ना काफी स्पेस मिल जाता है यहाँ पे खेलने के लिए। और यहाँ पे आपको मैं कुछ चीज दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि ये है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो दो लाइट है, ये दोनों लाइट आईकेआ से मैंने लिया था, साथ में फॉल सीलिंग का लाइट है एंड कोव लाइट है, कोव लाइट अभी नहीं चलाया है मैंने, और साथ में एक ये जो है ये लाइट, एक फैंसी लाइट जो है यहाँ पे मैंने ऐड किया है, ये अमेजोन से लिया है। यहाँ पे पूरा एक मिरर आएगा जो कि मैं डालने वाली हूँ, लेकिन वो खराब आएगा। अगेन आप सब्सक्राइब कर लो चैनल पे, आपको अपडेट मिलता रहेगा, बट हमारा यही प्लान है कि यहाँ पे मिरर लगाएंगे। तो यही कुछ है, और यहाँ पे एक जो है वो पूरा सीलिंग लेंथ का जो है कर्टन है जो कि सेपरेट करता है डाइनिंग और हमारे बालकनी को, तो ये कुछ ऐसा है। और स्लाइट पिंकिश टोन में जो है वो पेंट है, तो कल बहुत ही अच्छे से कलर उभर के आता है, और काफी अभी तो महीने हो गए हैं यहाँ पे आए हुए, लेकिन फिर भी घर जो है वो एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। तो डाइनिंग हॉल में एक्चुअली एक और चीज का जो मैं आपको दिखाना भूल गई, यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे वॉश बेसिन बना के रखा है, और ये बहुत बड़ा है, 3.5 फीट का है ये, और नीचे बॉक्स है, और ऊपर में ये जो है ऐसा कुछ है मेरा वॉश बेसिन, और यहाँ पे कुछ नहीं बस एक हैंड वॉश है, और एक छोटा सा मैंने यहाँ पे ये प्लांट रखा है, इसको मैं प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रही हूँ, आई डोंट नो होगा कि नहीं। और यहाँ पे एक मिरर है और एक फैंसी लाइट है, दैट्स ऑल, और एक यहाँ पे कॉल बेल है, तो ये कुछ ऐसा सा।